गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं BCA फोर्थ सेमेस्टर में विजुअल बेसिक में। आज का हमारा टॉपिक है डेटा वैलिडेशन इन विजुअल बेसिक 6.0। तो डेटा वैलिडेशन की अगर हम बात करें फॉर्म बेस्ड एप्लीकेशंस में, तो आपने जनरली देखा होगा कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमारे कुछ डेटा टाइप्स होते हैं। सेम यहाँ पर भी हमारे डेटा टाइप्स कुछ हमें हैं जिनके अकॉर्डिंग हम डेटा अपना फीड करते हैं, जैसे कि हमारा इंट टाइप है, स्ट्रिंग है, इंटीजर टाइप होता है। जैसे कि हम इंटीजर टाइप में नंबर एंटर करा सकते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग टाइप में हम क्या कहते हैं, टेक्स्ट एंटर करा सकते हैं। तो जनरली आपने देखा होगा कि आप अगर टेक्स्ट की फील्ड में नंबर एंटर कराते हैं या नंबर की फील्ड में टेक्स्ट एंटर कराते हैं, तो वहाँ पर आपका वह एरर क्रिएट करता है कि प्लीज़ एंटर डिजिट्स, ठीक, या प्लीज़ एंटर इन टेक्स्ट फॉर्मेट। तो यही चीज़ जो होती है, ये हमारी डेटा वैलिडेशन कहलाती है। तो अब बात करते हैं डेटा वैलिडेशन की। तो एन एप्लीकेशन प्रोसेसेस इंफॉर्मेशन दैट आ यूज़र एंटर, यानी कि डेटा वैलिडेशन जो है यह एक विजुअल बेसिक की एप्लीकेशन है जो कि इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करती है जो कि यूज़र के द्वारा एंटर कराई जाती है। यानी कि यूज़र के द्वारा एंटर की हुई इंफॉर्मेशन को जो प्रोसेस कराने का वर्क होता है, वह हमारा डेटा वैलिडेशन का होता है। डेटा वैलिडेशन इंश्योर्स दैट द डेटा एंटर्ड इन द एप्लीकेशन इज एक्यूरेट एंड वैलिड डेटा टाइप। डेटा वैलिडेशन इस चीज़ को इंश्योर करता है कि जो डेटा एंटर कराया गया है एप्लीकेशन में, वह फर्स्टली तो एक्यूरेट होना चाहिए, देन उसका जो डेटा टाइप है वह वैलिड होना चाहिए, ठीक है। यानी कि जो हमने इंफॉर्मेशन उसमें एंटर की है वह हमारी वैलिड होनी चाहिए, यानी कि अनएक्यूरेट नहीं होनी चाहिए। देन वैलिड डेटा टाइप, यानी कि अगर हमने नंबर से एंटर करा रहे हैं तो हमारा वैलिड डेटा टाइप यानी कि इंटीजर टाइप डेटा टाइप ही वहाँ पर उसका पहले से ही असाइन होना चाहिए। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टास्क ऑफ डेटा वैलिडेशन इज़ टू वेरीफाई द डेटा टाइप। सबसे जो मेन टास्क होता है डेटा वैलिडेशन का, वह यह होता है कि वह डेटा टाइप्स को वेरीफाई करता है। यानी कि डेटा वैलिडेशन जो होता है उसका मेन टास्क होता है कि वह डेटा टाइप्स को वेरीफाई करता है, ठीक। तो यानी कि हम बात करें तो ये तीन की पॉइंट्स हो गए हमारे डेटा वैलिडेशन के। फर्स्टली क्या होता है, ये इंफॉर्मेशन जो यूज़र के द्वारा एंटर की जाती है उसको ये प्रोसेस कराता है। देन ये फर्स्टली हमारा क्या करता है, जो डेटा टाइप्स होता है उनको वैलिड डेटा टाइप्स को वेरीफाई करता है। देन यह इसके अंदर जो डेटा हम एंटर कराते हैं वो डेटा हमारा एक्यूरेट होना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसका कि ये इसका जो मेन टास्क होता है वह होता है कि जो डेटा एंटर कराया गया है वह एक्यूरेट है, और जो हमने उस जो भी डेटा टाइप असाइन कर रखा है वह डेटा टाइप हमारा वैलिड है या नहीं। तो इन विजुअल बेसिक देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेटा वैलिडेशन टेक्निक्स। विजुअल बेसिक में होती हैं हमारी दो टाइप्स की डेटा वैलिडेशन टेक्निक्स होती हैं, जिनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट वन जो हमारा डेटा वैलिडेशन टेक्निक होता है विजुअल बेसिक में, वह होता है हमारा फॉर्म लेवल वैलिडेशन, फॉर्म लेवल वैलिडेशन। देन नेक्स्ट होता है हमारा फील्ड लेवल वैलिडेशन, फील्ड लेवल वैलिडेशन। अब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि हमारा फॉर्म लेवल वैलिडेशन क्या होता है और फील्ड लेवल वैलिडेशन क्या होता है। तो पहले हम डिस्कस करते हैं हमारा फॉर्म लेवल वैलिडेशन क्या होता है। तो फॉर्म लेवल वैलिडेशन इन विच डेटा इज़ वेरीफाइड आफ्टर द यूज़र एंटर ऑल द फील्ड्स ऑन द फॉर्म। यानी कि जब यूज़र, आप देखते होंगे जब आप कोई फॉर्म फिल करते हैं, उसके बाद जैसे आप सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं तो क्या होता है कि वहाँ पर हमारा एट लास्ट में हमारा एरर शो करता है कि ये दिस फील्ड रॉन्ग फील्ड, यानी कि यह फील्ड रॉन्ग फील्ड है आपकी, ठीक। यानी कि यह जब हमें इसमें फॉर्म बेस्ड वैलिडेशन जो होता है, फॉर्म लेवल वैलिडेशन, ये हमारा दब हमें अकर होता है जब यूज़र उसमें पूरी डिटेल भर देता है। यानी कि जितने भी फील्ड्स होती हैं फॉर्म में, वैसा यूज़र जब फिल कर लेता है, उसके बाद जब उस चीज़ को सबमिट करता है, तब हमारा फॉर्म लेवल वैलिडेशन एक्टिवेट होकर वहाँ पर एरर होते हैं तो एरर अकर करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एन एम्प्लॉय डिटेल द एम्प्लॉय कोड
comma name, comma address and the telephone number to be filled in by the user. The details need to be verified after the user click on OK button. अब क्या है कि employee मान लीजिए अपनी details organizational form में भर रहा है वो, तो सब firstly अपना employee code भरेगा वहाँ पर, then अपना name भरेगा, then उसका जो particular residential address होगा वह उसका address भरेगा, then उसका जो personal contact number होगा वह वहाँ पर वह filled करेगा, ठीक, to be filled in the by the user, यानी कि वह सब यूज़र के द्वारा फिल्ड किया जाएगा जो कि यूज़र है. द डिटेल्स नीड टू बी वेरीफाइड आफ्टर द यूज़र क्लिक ऑन ओके बटन. अब ये जो भी उसने डिटेल्स फिल की हैं, एम्प्लॉय कोड, एम्प्लॉय नेम, ये सब चीज़ें जब उसने फिल की हैं, वह हमारा वेरीफाई होगा जब यूज़र ओके बटन पर क्लिक करेगा, यानी कि जब टोटल डिटेल्स फिल करने के बाद जब यूज़र ओके बटन पर क्लिक करेगा तब जाके वह सारी चीज़ें जो है वह वेरीफाई होंगी. तो ये होता है हमारा फॉर्म लेवल वैलिडेशन. अब हम डिस्कस करते हैं फील्ड लेवल वैलिडेशन क्या होता है. हमारा डेटा इन द फील्ड्स आर वेरीफाइड वन एट अ टाइम, यानी कि जो डेटा फील्ड्स में होता है वह वेरीफाइड होता है वन एट अ टाइम, यानी कि सिंगल टाइम में वह वन बाई वन इस तरीके से वेरीफाइड होता है. आफ्टर द यूज़र फील्ड्स इन द फील्ड, जब यूज़र भर लेता है उन फील्ड्स को फिल कर लेता है तो उसके बाद वह वन बाई वन चेक होती रहती हैं, वेरीफाइड होती रहती हैं. एग्जाम्पल में बताया गया है व्हेन अ यूज़र टाइप्स द नेम ऑफ एन एम्प्लॉय, जब यूज़र जो है एम्प्लॉय का नेम उसमें एंटर कराता है, अ वैलिडेशन इज मेड टू चेक दैट द नेम इज़ नॉट न्यूमेरिक और इज नॉट एंड इज़ नॉट ब्लैंक. तो जो हमारा वैलिडेशन होता है वह यह चेक करता है कि एम्प्लॉय ने जो नाम अपना एंटर कराया है वह न्यूमेरिक फॉर्म में तो नहीं है या वह उसने ब्लैंक तो नहीं छोड़ा, ठीक. वी डिस्कस अबाउट द सेट फोकस मैथड एंड द लोस्ट फोकस मैथड इवेंट दैट कॉज वैलिडेशन इन अ कंट्रोल. अब यहाँ जो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक अपना वह होता है हमारा सेट फोकस मैथड एंड लॉस्ट फोकस इवेंट, जो के कारण हमारा वैलिडेशन परफॉर्म होता है कंट्रोल्स की हेल्प से, जिसकी हेल्प से हमारा वैलिडेशन परफॉर्म होता है कंट्रोल्स की हेल्प से. तो यह था हमारा वैलिडेशन जो आज हमने डिस्कस किया, डेटा वैलिडेशन इन विजुअल बेसिक 6.0, ठीक, जिसमें हमने फॉर्म लेवल वैलिडेशन के बारे में बात किया और फील्ड लेवल वैलिडेशन के बात किया. अब आइए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक अपना जो है हमारा लॉस्ट फोकस इन डेटा वैलिडेशन विजुअल बेसिक 6.0. लॉस्ट फोकस इवेंट की बात करेंगे हम. When a form or a control loses focus, the lost focus event is fixed. जब हमारा form और control, यानी कि जो भी हम toolbox में से control अपना use करते हैं, वह अगर focus अपना loss कर देता है तब क्या होता है, हमारा lost focus जो event होता है वह fix हो जाता है. Focus is lost when a user taps to another field or click on another field. फोकस आप देखते होंगे कब चला जाता है उस फील्ड पर से, जब यूज़र नेम पर क्लिक करने के बाद जब टैप का बटन क्लिक करके नेक्स्ट टैप पर आ जाता है तो क्या होता है कि प्रीवियस जो हम फील्ड में एंट्री कराई है वह हमारा लॉस्ट फोकस में चला जाता है, देन सेट फोकस हमारा अनदर टैप पर आ जाता है. द लॉस्ट फोकस इवेंट इज़ प्राइमरली यूज फॉर वैलिडेशन. लॉस्ट फोकस इवेंट जो होता है उसको हम प्राइमरली वैलिडेशन के लिए यूज़ करते हैं. Thus we are checking the data just as the user is leaving the field. यानी कि जैसे ही यूज़र उस फील्ड को लीव करता है, यानी कि लीव करके नेक्स्ट फील्ड पर आता है, तब जाके आप देखते होंगे कि हमारा जो डेटा वैलिडेशन है वह अकर होता है, ठीक. अब आप देख रहे हैं यहाँ पर दे रखा है एज और डेट ऑफ ज्वाइनिंग, यहाँ पर दो लेबल्स दे रखे हैं, दो टेक्स्ट बॉक्स दे रखे हैं आपके सामने. अब उस टेक्स्ट बॉक्स में एज फिल कराने के बाद जैसे टैप की हेल्प से नेक्स्ट टेक्स्ट बॉक्स पर आएगा तो ये टेक्स्ट वन जो है ये लॉस्ट फोकस हो जाएगा, देन सेट फोकस हमारा इस पर हो जाएगा. अब आप देख रहे हैं यहाँ पर प्राइवेट सब टेक्स्ट वन लॉस्ट फोकस, यानी कि इसने अपना फोकस लॉस्ट कर दिया. इफ़ इज़ न्यूमेरिक टेक्स्ट वन डॉट टेक्स्ट फाल्स, देन सॉरी इनवैलिड न्यूमेरिकल न्यूमेरिक डेटा. अब क्या होगा, ये अब यहाँ पर उसने चेक करा कि न्यूमेरिक है इस न्यूमेरिक की हेल्प से, तो क्या करेगा वह, अगर न्यूमेरिक नहीं हुआ तो वो कह देगा सॉरी इनवैलिड न्यूमेरिक डेटा, यानी कि यह इनवैलिड न्यूमेरिक डेटा है. देन टेस्ट वर्क वन डॉट सेट फोकस, फिर उस पर क्या होगा दोबारा से हमारा सेट फोकस
आ जाएगा, यानी कि दोबारा उसको एंट्री कराने के लिए आ जाएगा। अब क्या होगा, अब हम दूसरे वाले की बात करते हैं, टैक्स टू डॉट लॉस्ट फोकस, यानी कि वो हमारा लॉस्ट फोकस कब होगा, जब डेट जो होगा वह डेट की फॉर्मेट में ना हो, तो वहाँ पर मैसेज बॉक्स के थ्रू क्या प्रिंट करा देगा वो, सॉरी इनवैलिड डेट, टैक्स टू डॉट टैक्स डेट देन टैक्स टू डॉट सेट फोकस, यानी कि फिर से वह क्या होगा, टेस्ट डेट पर इस पर टेस्ट टू पर उस पर दोबारा से फोकस हमारा सेट हो जाएगा, हमारा दोबारा से फोकस सेट हो जाएगा। यानी कि लॉस्ट फोकस इवेंट हमारा कब अकर होता है, जब हम प्रेजेंट फील्ड को लीव करके नेक्स्ट फील्ड पर आ जाते हैं, तो हमारा लॉस्ट फोकस इवेंट जो है वह अकर होता है। ठीक, तो यही होता है हमारा लॉस्ट फोकस, जिसकी हेल्प से क्या होता है कि हम डेटा वैलिडेशन को परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट जो हम कल डिस्कस करेंगे, वो हम डिस्कस करेंगे सेट फोकस मेथड के बारे में, कि सेट फोकस मेथड हमारा क्या होता है। तो आज जो हमने डिस्कस करा, वो हमने डिस्कस करा डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन में क्या होता है हमारा, कि वह हमारा चेक करके बताता है कि हमने जो डेटा एंटर कराया वह एक्यूरेट है या नहीं, उसका जो डेटा टाइप है वह हमारा वैलिड है या नहीं। इसमें हमारे दो टाइप्स के फॉर्म वैलिडेशन होते हैं, फॉर्म लेवल वैलिडेशन और फील्ड लेवल वैलिडेशन। फॉर्म लेवल वैलिडेशन में क्या होता है कि जब हम पूरा फॉर्म फिल कर लेते हैं, उसके बाद जब ओके बटन पर प्रेस करते हैं, तब हमारा क्या होता है, वैलिडेशन अकर होता है और हमें वह चेक करके बताता है कि हमारी कोई सी फील्ड एक्यूरेट या इनएक्यूरेट तो नहीं है, यानी कि गलत तो नहीं है। देन फील्ड लेवल वैलिडेशन में क्या होता है हमारा, फील्ड लेवल वैलिडेशन में वो वन बाई वन फील्ड हमारा, जैसे ही हम एंट्री कराते हैं वैसे ही हमारा वन बाई वन वह चेक करता है और हमें बताता है कि हमारी फील्ड जो है वो हम एक्यूरेट फील्ड कर रहे हैं या नहीं। ठीक, नेक्स्ट हमने जो डिस्कस किया, वो हमने डिस्कस किया लॉस्ट फोकस के बारे में। लॉस्ट फोकस क्या होता है, जब हम प्रेजेंट फील्ड को छोड़कर नेक्स्ट फील्ड पर टैप की हेल्प से आ जाते हैं, तो हमारा प्रीवियस फील्ड जो होती है वह हमारी लॉस्ट फोकस इवेंट वहाँ पर आकर हो जाता है। इसको हमने कोडिंग के थ्रू भी यहाँ पर समझा। सो आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।